आई थिंक अभी आपको वो क्लियर होगा कि क्या हो रहा है क्या है. ठीक है, देखो एज यू नो शेड्यूल आ चुका है गेट का, गेट के पेपर का 5th of Feb, और जस्ट भी आपका समथिंग 14 या 16-17 Feb तक हो जाता है. ठीक है, तो प्रेजेंट में मेरा क्या है, अभी है आज राइट नाउ 5th of December, तो 5th of December से 5th of Feb यू हैव ओनली एंड ओनली 2 months लेफ्ट. ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं इसको कवर अप करने के लिए पूरा का पूरा. देखो गेट आप इस चीज को हल्के में भी नहीं ले सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं है. मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप डेडिकेट होके पढ़ लो ना, या फिर थोड़ा सा मतलब खुद में थोड़ा सा कोशिश कर लो, फोकस्ड होके पढ़ लो ना, नॉट द बिग डील, आराम से आपका गेट निकल जाना है. और यार अगर गेट में अच्छे रैंक आते हैं आपके तो इंसिस्ट, आपको खुद भी पता है IIT मिल जाती है, इवन PSUs तक मिल जाते हैं गेट में. ये तो गेट के बेनिफिट्स तो आपको पता होंगे ना, कि आपको आराम से अगर आपको ये क्वालिफाई होता है आपको IIT मिल सकता है फॉर PhD पर्पस. ठीक है, और आपको इजीली PSUs हायर कर लेते हैं अपने, कई सारे PSUs हैं जो आपको हायर कर लेते हैं. उसके भी बाद आप ये सोचो आपको आपके पास बार का ऑप्शन होता है, इवन आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आपके पास ऑप्शन होता है उसमें एंट्री लेने के लिए. उसमें ना डायरेक्ट गेट के स्कोर के बेसिस पे वो आपको एंट्री ले आपको एंटर कर लेते हैं. ठीक है, टिल देन अगर आप IIT में जाते हो, आपको गेट के बेसिस पे अगर आप जाते हो, आपको यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है अप्रॉक्स शायद 30,000 या 31,000 यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. HRA छोड़ करके हम बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो हम HRA छोड़ के बात कर रहे हैं. यहाँ पे अप्रोक्सली 31,000 समथिंग प्रोवाइड करी जाती है. ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में गेट का बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ इनकी जो अपनी फेलोशिप होती है ना वो समथिंग 8,000 से 10,000 तक प्रोवाइड करते हैं वो. टिल एट ऐसे ही आपके जस्ट के बेनिफिट हैं, जेस्ट में भी सेम होते हैं, आपको बहुत सारे IISER मिल जाते हैं. ठीक, बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, भाभा वगैरह मिल जाता है. ठीक, और आपका जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी शायद बेंगलोर में है ना, वो आपको इजिली मिल जाता है. ये भी फेलोशिप प्रोवाइड करता है, जेस्ट भी फेलोशिप प्रोवाइड करता है अप्रॉक्स 31,000 तक. यार आप खुद सोचो अपने आप में ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इजली निकल जाता है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे का नेट देने के बाद उसको लगता है कि यार नेट तो क्रॉस हुआ ही नहीं, फिर उसका ना मॉरल डाउन हो जाता है. ऐसा होता नहीं है यार, चीज़ों को ना थोड़ा सा फोकस्ड होके चलो, आराम से निकल जाएगा. इन्हीं चीज़ों को क्रैक करने के लिए मैंने अभी शुरू करा है एक क्रैश कोर्स. क्रैश कोर्स शुरू करा है जो कि है गेट और जेस्ट के लिए. ठीक, नेट के लिए जो होगा वो हम इसके बाद लेकर के आएंगे, फिलहाल अभी ये होगा क्रैश कोर्स गेट और जेस्ट के लिए. ठीक, अच्छा एज हमारे पास इतने ही टाइम लेफ्ट है तो ये क्रैश कोर्स भी है आपका 2 months के लिए. ठीक, 2 months के लिए ये क्रैश कोर्स है एंड इसकी जो फीस है वो है 2,000 रुपीस इसके कंप्लीट कोर्स के लिए है. कंप्लीट कोर्स के लिए इतना फीस मैंने रखा है. देखो यार एक नॉमिनल सा ही मैंने चार्ज रखा है, बहुत ज्यादा नहीं कि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो एंड मुझे भी दिक्कत ना हो, तो मैंने एक नॉमिनल सा रखा है फीस इसकी 2,000 मैंने इसका रखा है चार्ज. ये कंप्लीट क्रैश कोर्स का आपके चार्ज है. अच्छा अब मेरी बात सुनो कि इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में होने क्या वाला है आपके साथ. फिलहाल कुछ जगह बना लेते हैं, ठीक है, और लिखने के लिए. देखो इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में आपको हम कंप्लीट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब कंप्लीट देखो कंप्लीट सिलेबस. कंप्लीट सिलेबस तो वो होगा ही होगा आपके लिए. सेकेंडली जितने प्रीवियस ईयर्स है ना,
आफ्टर दैट आपको स्टैंडर्ड बुक जो होते हैं ना उसके क्वेश्चंस करवाएंगे ठीक, और वीकली टेस्ट, ये तो यार देखो मस्ट है। अब देखो बाकी कोचिंग वाले क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स पे पूरा फोकस कर देते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो। यार देखो मेरा मानना है प्रीवियस ईयर तो लेके चलो, वो तो मस्ट है, उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर से ही आपको खुद को एक मतलब नॉलेज मिल जाती है इस हिसाब से कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कैसे घुमा के पूछता है, क्या पूछता है, ये तो एक नॉलेज प्रीवियस ईयर से मिल जाती है। मगर मुझे ये बताओ जितनी बार पेपर देने जाते हो उतनी बार हर एक नए नए टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, होता वही चीज़ है बट नए नए टाइप्स की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो वो कैसे मिलती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं आपकी स्टैंडर्ड बुक से, डेफिनेटली वो आपके आते हैं स्टैंडर्ड बुक से। मेरी बात मानो सिलेबस के बाद, सिलेबस में भी ये नहीं कि आधा दिन पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, किताब पे किताब चाटे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। मेन मेन फोकस्ड होकर जो चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हम नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, हम तो कहेंगे सब पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। मेरा इवन बोलने का मतलब है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे जब क्लियर कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर से आपको मिल जाएगा आइडिया कि कैसे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं और क्या हो रही हैं, ठीक। उसके बाद आपको आप स्टैंडर्ड्स बुक्स पे जब जाओगे ना तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अगर मैं छोटी सी बात करूँ ना, अगर मैं स्टैट की बात करूँ, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक की बात करूँ, तो उसके लिए जो सीनी है या वाइके लिम है, ये सब एक बहुत सही सीरीज है यार। इवन वाइके लिम तो हर पेपर के लिए है अवेलेबल, ठीक है, वाइके लिम तो सारे पेपर्स के लिए अवेलेबल है, वाइके लिम है, सॉम सीरीज है, ये सबको ना मतलब आप थोड़ा प्रेफर करो। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स के प्रॉब्लम है ना, बहुत मैटर करते हैं और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम सिर्फ सुन लेते हैं कि हाँ भाई स्टैंडर्ड बुक है तो इसकी प्रॉब्लम कैसे हैंडल होगी, ऐसा होता नहीं है, चीज़ इजली होंगी। हम करवाएंगे आपको, डेफिनेटली हम करवाएंगे आपको और डेफिनेटली आपका ये होगा। बट बस मेरा ये मानना है, मेरा थोड़ा सा साथ दो, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं अभी करने के लिए, रश पड़ा हुआ है दो महीने में, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में नहीं होगा, वो तो हम आपको बहुत ईजिली क्लियर करेंगे। अभी आपने मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो भी आपको समझ में आया होगा ना कि हम ना बहुत नॉर्मल और बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इवन फिजिक्स को ना एज लाइक ए स्टोरी, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, समझ में आए कि वो हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आगे, ठीक है। तो वैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट्स पे लेके चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद सेम पेपर का प्रीवियस ईयर हम खुद आपको सॉल्व करवाएंगे, या फिर आप मुझे डाउट्स बताते जाना, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते जाएंगे पूरा प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास है, मेरा तो ऐसा वाला मूड था कि मैं लाइव आऊँ आपके सामने और फिर आप मुझसे लाइव पूछो क्या पूछना है और फिर मैं आपको लाइव सॉल्व करवाऊँ, बट एज पर दिक्कतें हैं थोड़ी कि लाइव हो नहीं सकता ना, 1000 हैं सब्सक्राइबर्स, तो दैट्स वाई लाइव तो नहीं पॉसिबल है। बट आप मुझे एक डाउट्स अपने एक लिस्टिंग करके देना, डेफिनेटली हम आपके पूरे डाउट्स एंड प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। स्टैंडर्ड बुक तो हम खुद कराएंगे अपने से और वीकली टेस्ट तो आपका होना ही होना है। पूरे इस दो मंथ में आपके साथ जो चलने वाला है वो ये है कि आपको इन दो महीनों में, ठीक, वीक के 6 दिन हम आपको पढ़ाएंगे, बट संडे वाले दिन हम आपका टेस्ट लेंगे। मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो टेस्ट हम लेंगे, जो हम आपको क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन का भी हम एक सल्यूशन वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक। अब आपको समझ में आया होगा कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। अब मेरी आगे की बात सुनो, हमारे पास टोटल फिजिक्स में कितने पेपर होते हैं, 9, ठीक। 9 में तुम्हारा स्टैट, थर्मल, जो दोनों साथ में ही आ जाते हैं, ठीक है, एटमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड,
क्लासिकल, मैथमेटिकल, क्वांटम, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, ये सारे पेपर्स आ जाते हैं। ठीक है, कितने हुए यार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक आपका आता है EMT, ठीक, इतना तो होता है। एक मिनट रुको यार, मैं देखूँ शूट हो भी रहा है कि नहीं। हो तो रहा है इसी तरीके से, देखो इतना आता है आपका। ठीक है, अब देखो फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा चल रहा है, मैंने इसको स्किप करा है। इन 2 मंथ के कोर्स में मैंने इसको स्किप करा है। आपको हमारी तरफ से जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है ना, वो भी मिलेगा, क्योंकि गेट का एप्टीट्यूड, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ वहां भागना कि अरे कहाँ से एप्टीट्यूड पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। हम खुद भी करेंगे एप्टीट्यूड, डोंट वरी अबाउट दिस। बट इन चीजों में हम EMT स्किप कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो भी सुनो यार। आपको पता होगा कि EMT अपने आप में कितना बड़ा पेपर है, ये तो बात मानते हो ना आप। EMT अपने आप एक बड़ा पेपर है। इसको अगर मैं बहुत इजीली भी लेके चलूँ ना, तो भी यार ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा। मैंने जो अपनी एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करी है, हम ना इन सारे पेपर्स को अप्रॉक्सली 10 डेज में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब 10 दिन ये 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 ये, ठीक, 10 डेज इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब देखो कुछ पेपर छोटे हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा एटमिक छोटा है, एटमिक छोटा नहीं है वैसे, एटमिक तो डेप्थ वाला पेपर है, बट जब हम पढ़ाएंगे ना तो हम थोड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। तो एटमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड, ये सब जो मतलब थोड़े जो छोटे पेपर है ना, इनको हम ट्राई आउट करेंगे कि इनको हम जो है 6 to 7 days में ख़त्म कर दें, ठीक, 6 to 7 days में इनको ख़त्म कर देंगे। बाकी जो बड़े पेपर्स है ना, उनका हम एक मैक्सिमम 10 days लेके चल रहे हैं कि बड़े पेपर का मैक्सिमम 10 days में क्लियर अप होगा। अच्छा, अब उसके बाद में सुनो, इस 6 to 7 days में डेली हम आपको 2 से 2.5 hours की वीडियो मिलेगी। उसमें ये 2 से 2.5 घंटे हमारे होंगे। आपको 2 पेपर एक साथ चलेगा, इतना भी सोच के चलो, 2 पेपर आपके एक साथ चलेंगे। एक तो हम पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे आपको हिमानी, ठीक। वीडियोस में आपको उनके भी वीडियोस मिलेंगे, एक आपको पढ़ाएंगे हिमानी, एक पेपर पढ़ाएंगे हम। तो प्रेजेंटली पैरेलली आपका 2 पेपर साथ में चलेगा, ठीक है। तो 2 से something 2-2.5 घंटे की आवर्स की वीडियो हमारी होंगी, एंड सेम क्वांटिटी की वीडियो हिमानी की होगी। तो इसका मतलब आपको पर डे अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours की वीडियो मिलेगी। डेली बेसिस पे आपको 4 to 5 hours की वीडियो मिलेगी। अब आप एक क्वेश्चन होंगे कि ये वीडियो कहाँ अपलोड होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा। देखो, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम खुद एक दिन एडवांस होके चल रहे हैं। मतलब जैसे जो हमें कल वीडियो अपलोड करनी है ना, उसको हम आज ही शूट करेंगे, और YouTube पे ही प्राइवेसी डाल करके हम वीडियोस अपलोड कर देंगे। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम प्राइवेसी डाल करके वीडियोस फिर वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, उनके आगे के लेक्चर्स देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं, उनके लिए भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप मुझे बताना। हाँ, हम आपको कंप्लीट तो नहीं दे सकते कोर्स आपको, बट हाँ हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप मुझे एक मेल करो या आप मुझे एक मैसेज कर देना, मेरा नंबर पड़ा होगा, आप मुझे एक मैसेज कर दो कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, ठीक है। या फिर आप मुझे कमेंट कर दो कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे आप अटक रहे हो, ठीक, उस टॉपिक पे डेफिनेटली हम आपको वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ जब हम पेड कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस है वो सिर्फ पेड वालों पर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फोकस आप सब पर है। अब मेरे लिए वो सारे इम्पोर्टेंट हो जो पढ़ रहे हो, मतलब इवन हमारे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, बाकी फैक्टर्स मैटर नहीं करते, ठीक। तो इन 6 to 7 या इन 10 डेज में आपके साथ होगा क्या,
पहले तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाएंगे बहुत कायदे से। नोट्स के लिए आपको नहीं भागना है, नहीं दौड़ना है, जो हम लिखवाएंगे वही लिखते चले जाओ, क्योंकि हम जो खुद लिखवाएंगे ना वो हम खुद ही आपको इतने कॉन्साइज फॉर्म में लिखवाएंगे ना कि आपको कहीं और भागने की नीड ही नहीं पड़ेगी उस चीज के लिए, है ना। तो नोट्स के लिए तो आप हमारे लिए रुको, ठीक, हम जैसे जैसे करवाते जाएंगे वैसे वैसे आप उस चीज को करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स हम एक पीडीएफ ग्रुप पे डाल देंगे, टेलीग्राम पे जो हमारे पेड मेंबर्स का ग्रुप होगा, और एक ग्रुप हम और बनाते हैं टेलीग्राम पे, जो नॉर्मल ग्रुप है अपना डिस्कशन वाला सीएसआईआर का, उस ग्रुप पे, ठीक है। उन दोनों ग्रुप्स पे हम प्रीवियस ईयर्स के शीट्स डाल देंगे, पीडीएफ हो जाएगी वहाँ पर, एंड फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद आपको जहाँ अटक रहा है, जो अटक रहा है, आप अपने तरफ से देखो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते जा रहे हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, ठीक। जब ऐसा होगा कि एक बार जब हम कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लेंगे, जब हम कंप्लीट पेपर आपको पढ़ा देंगे, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट शुरू करी, ठीक, अब मैंने आपको कंप्लीट स्टार्ट पढ़ा दी, कंप्लीट स्टार्ट पढ़ाने के बाद ही फिर हम आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे, उसके बाद फिर हम आपको प्रीवियस सॉल्व करवा देंगे, ठीक। और वीकली टेस्ट का तो क्या है, वो तो होते रहना है हर वीक, संडे वाले दिन वो तो टेस्ट होना ही होना है, ये तो मतलब श्योर है, ठीक। ये सब होने हैं आपके साथ। अच्छा, अब जो पेपर का पैटर्न है कि किस तरीके से चलना है, स्टार्टिंग हमारी होगी क्वांटम से, जो कि स्टार्ट कर रही है हेमानी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल से, स्टैट से। अब देखो स्टैट और थर्मल पे मेरी पहले भी वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है, फिर मैंने थर्मल का करा। अब आपको लग रहा होगा कि जब आप पहले पढ़ा चुके हो तो आप इसमें अलग से क्या करोगे, सुनो उसमें मैंने आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाया है, या फिर मैंने आपको एक नॉर्मल कहानी जैसे पढ़ाया है, ठीक है। आप पीछे की वीडियोस में जाके देखना, मेरे पास कोई बोर्ड नहीं था, मैंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया है पढ़ाने के लिए, मैंने नॉर्मल वर्बली चीज़ों को पढ़ाया है केवल, ठीक। यार आप इतना तो समझो, अगर पीछे की वीडियोस को देख के मेरे आप इतना तो समझे होंगे कि अगर हम वर्बली कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर कर सकते हैं तो हम इवन इन बोर्ड कॉन्सेप्ट्स को कितना क्लियर कर पाएंगे, है ना। बस वही मैटर है, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखो पेपर सॉल्व करने के लिए ना, या एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना, मैटर ये नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या फिर आप कितना किताबें पढ़ के जा रहे हो, मैटर आपको वहां का 3 घंटा करता है कि आप वहां पे क्या मतलब प्रोवाइड कर रहे हो।